जब हमने हाउ टू मेक मनी ऑन पिंटरेस्ट वाला वीडियो किया था, वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं एक वीडियो करूंगा जहां पे मैं 7 डेज का चैलेंज लूंगा। एक्चुअली मैं वो वीडियो काफी टाइम से आ नहीं पाया, पर आज वो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हर एक उस डिटेल के बारे में बात करने वाला हूं जो मैंने एक्सपीरियंस करी व्हेन आई एक्चुअली टुक दिस चैलेंज ऑफ यूजिंग पिंटरेस्ट फॉर 7 डेज। नए अकाउंट को 7 दिन तक यूज किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और अकाउंट के साथ में कितनी प्रोग्रेस हुई, कितने व्यूज आए, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूं। मैं अखिल पैसा वैसा से, अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मेरा एक मिशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं ताकि आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा पाओ यूजिंग ऑल द रियल एंड लेजिट वेज। अगर आप लोग मेरे इस मिशन में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो का जो टारगेट है वो रखते हैं 1000 लाइक्स का। अगर वो पूरे होते हैं तो क्या होने वाला है आगे आने वाला वीडियो, वो आपको पता लगेगा जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं इस वीडियो की, तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा जो 7 डेज ऑफ यूजिंग पिंटरेस्ट जो चैलेंज था वो मैंने कैसे कंप्लीट किया, क्या क्या चीजें थी जो हम लोगों को देखने को मिली, क्या क्या एनालिसिस हुए, क्या क्या मिस्टेक्स हम लोगों से पॉसिबली हुई और उसके आउटकम्स क्या रहे, उन पूरी की पूरी चीजों के बारे में बात होगी इस वीडियो में। और जस्ट इन केस अगर आप लोगों का गेमिंग में इंटरेस्ट है इतू सा भी, तो जाके मेरा जो नया चैनल है नूब अंकल, वहां पे भी आप मुझे थोड़ा अपना प्यार और सपोर्ट दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं वहां पे माइनक्राफ्ट खेल रहा हूं, तो अगर आप लोगों को पसंद है और अगर आप मुझे सिखाने में हेल्प कर सकते हो तो प्लीज थोड़ा आके थोड़े टिप्स दे देना वहां पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हां जी, बैक टू द वीडियो। तो देखो सबसे पहले ना मैं आपको आउटकम ही बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद में कुछ लोग कंप्लेन करें कि भाई कुछ हुआ नहीं था, तो बता देता। तो देखो आइडिया लग गया होगा, पूरा 7 दिन का चैलेंज लेने के बाद में, 7 दिन पिंटरेस्ट को यूज करने के बाद में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक्चुअली में फेल हो चुका हूं। अब इस चीज का मतलब ये नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस रहा फेलियर का, उसका मतलब ये होगा कि हर एक इंसान अगर वो चीज करता है तो फेल होगा। दैट्स नंबर वन लर्निंग, तो इतना ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी फेल हो जाएंगे। दूसरी चीज, मैं हमेशा सक्सेस को ही शेयर करके ये नहीं बताना चाहूंगा कि भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कई बार आपका काफी सारा जो टाइम होता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं किसी के ऊपर, वो आपको सक्सेस नहीं देता है, वो आपको फेलियर भी दे देता है, जो प्रीटी श्योर आप लोगों में से काफी लोगों के साथ में होता होगा। पर उसी से एसोसिएटेड काफी सारी लर्निंग्स भी होती है जो हमको जरूर सीख लेनी चाहिए, और वही मैंने सीखा उन 7 दिन के यूसेज के बाद में। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और दिखा देता हूं कि कौन सा अकाउंट था, कैसे बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया। हां जी, तो जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है अकाउंट बेस्ट ट्रैवल रिकमेंडेशंस नाम से, जो मैंने बनाया था इस पर्टिकुलर चीज को टेस्ट करने के लिए। तो सोचा ट्रैवल वाले नीच को फोकस किया जाएगा। सबसे पहली चीज जो मैंने करी है, मैंने एक्चुअली में लिटरली ना यहाँ पे एक नोटबुक में नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मैं अपनी हर एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। नॉर्मली मैं नोटपैड में लिख देता हूँ, मतलब कंप्यूटर पे लिख देता हूँ, पर पहले सोचा कि काफी टाइम से ना नोटबुक यूज नहीं करी थी, मतलब वो फनी चला गया था, सोचा ये यूज करते हैं। जस्ट अनदर थिंग जस्ट विच आई जस्ट वांटेड टू शेयर। सबसे पहली चीज जो मैंने करी वो ये था कि आई क्रिएटेड अ डिसेंट लुकिंग पिंटरेस्ट अकाउंट विद रिलेवेंट यूजर नेम। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने करा, जो यूजर नेम है वो है बेस्ट ट्रैवल रिकमेंडेशंस, और जो हमारा अकाउंट का नाम है वो भी यही है, बेस्ट ट्रैवल रिकमेंडेशंस। तो जो फोकस था वो ये था कि भाई लोगों को पता लग जाए कि भाई यहाँ पे ट्रैवल रिकमेंडेशंस आप लोगों को मिल जाएगी, विच इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर अकाउंट। उसके बाद में अपडेटेड बायो विद सम पॉसिबल रिच कीवर्ड्स। तो जब आपको दिखेगा BTR, जो मैंने अपने अकाउंट को रखा नाम, क्योंकि बायो में यूजर, मतलब बायो में ना क्या होता है कि लिमिटेड कीवर्ड्स ही होते हैं जो अलाउ होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको BTR कर दिया। तो BTR इज ऑल अबाउट ट्रैवल एंड स्टोरीज, बेस्ट ट्रैवल, बेस्ट गेट बेस्ट ट्रैवल प्लान्स, बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, बेस्ट ट्रैवल स्टोरीज, बेस्ट ट्रैवल कंटेंट, बेस्ट ट्रैवल रिकमेंडेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ना मैंने कमेंट्स को, ये जो कीवर्ड्स है ना, रिच कीवर्ड्स, जैसे बेस्ट ट्रैवल स्टोरीज है, बेस्ट ट्रैवल कंटेंट है, इनको ठूस ठूस के भरा। उसके बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे कि मैंने जो ये कीवर्ड रिच जो बोर्ड्स होते हैं वो मैंने बनाए, जो आपको दिखेगा यहाँ पे बेस्ट थिंग्स टू डू इन तुलुम, जो एक्चुअली में ओके टैम्पा बे फ्लोरिडा में, उसके अलावा सैन डिएगो में, उसके अलावा ग्रैंड टेटॉन में। तो जो भी चीज़ें मैंने करी वो था मेक्सिको, US, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन चीज़ों के रिलेटेड जो था ना, रोम, इटली। तो काफ़ी सारी चीज़ें करी, ये कैसे करा वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ करी वो मैंने करा कि मैंने काफ़ी रेगुलरली ना यहाँ पे पिंस और बोर्ड्स को ऐड करा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कन्फेस करना चाहूँगा कि मैंने जब इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट किया था, मैंने हर एक दिन जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग थी, जो भी मेरी एक्टिविटीज़ में करता था, मैंने उसको रिकॉर्ड किया था। मेरे पास में सारी की सारी फाइल्स थी हर एक दिन की,
क्या क्या कैसे कैसे ऐड करता था। मेरा प्लान था कि जब मैं वीडियो करूंगा तो आप लोगों के साथ में ना वो फास्ट फॉरवर्ड करके शेयर करूंगा पूरी चीजें, ताकि आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। आप देखोगे कि ये 7 वीक पहले क्रिएट किया गया था, जो कि था वही टाइम जब मैंने वो वीडियो को अपलोड किया था जहां से हाउ टू मेक मनी ऑन पिंटरेस्ट वाला वीडियो था। तो काम मैंने तभी स्टार्ट कर दिया था इसका, और आखिर में फिनिश भी हो चुका था। पर आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर कि मतलब आप लोग खुश रहेंगे कि मैं अपनी ये फेलियर दिखाऊं। पर अभी जब मैं इस चीज़ के बारे में जब मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ बताना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं फेल भी हुआ तो इट्स कूल, बिकॉज आई नीड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइस कि मतलब जो भी लर्निंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो शायद आप भी फेस कर सकते, हो सकता है कि मैं यहाँ पे सक्सेस दिखा देता अपनी, पर पॉसिबिलिटी ये होती कि आप फेल हो जाते, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था इस वजह से। तो ये जो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग थी पूरे दिनों की, आप लोगों को पता होगा अराउंड 10-12 दिन पहले मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया था, उस वजह से जितनी भी फाइल्स थी सारी की सारी चली गई, आई लॉस दैट डेटा। इस वजह से अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ ऐसे दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको हर एक चीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके ज़रूर दिखाता क्या क्या एक्टिविटीज़ थी। तो देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने इसको ओपन करा, बेस्ट फ्लोरिडा बीचेस, मस्ट विजिट दीज बीचेस, उसके अलावा यहाँ पे देखो आपको 34 पिन दिखेंगे विच इज़ ऑल अबाउट बीचेस इन फ्लोरिडा। अगर मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैंने सारे के सारे बोर्ड जो भी मैंने बनाए हैं उसमें काफ़ी रेगुलरली पिंस को ऐड किया विच वर अगेन रेलेवेंट। तो कैसे किया वो मैंने जब पिंटरेस्ट वाला जो वीडियो किया था, जहाँ पे मैंने पिंटरेस्ट फॉर बिगनर्स वाला एक वीडियो किया था, काफ़ी डिटेल में था वो, आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड क्या होता है पिन क्या होता है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी यूजफुल रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर अगर देखूंगा तो मुझे यहाँ पे ट्रेंड सेक्शन नजर नहीं आता है, पर अगर मेरा जो दूसरा अकाउंट है अगर मैं उसको यूज करता हूँ, एक बार मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, तो मैं अब आपको लेके आया हूँ मेरे दूसरा अकाउंट जो कि अगेन बिजनेस अकाउंट है। अब ये चीज भी कैसे है, बिजनेस अकाउंट क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, वो भी आपको उस वाले वीडियो में मिल जाएगा। ट्रेंड्स में अगर मैं जाता हूँ तो मैंने क्या किया था, जब मैंने ये बोर्ड्स बनाए थे तो मैं लिटरली मैं ट्रेंड सेक्शन में गया, जाने के बाद में व्हेन आई स्क्रॉल डाउन तो मुझे यहाँ पे एक ट्रैवल नीश में, जैसे ये ट्रैवल नीश जो यहाँ पे नजर आ रहा है अभी जो आपको दिख रही चीज़ें, वेकेशन पैकिंग लिस्ट है, रियू है, यूनिवर्सल स्टूडियोज है, ये सभी चीज़ें हैं। तो इसके साथ साथ मैंने क्या करा था कि मैंने उसी के हिसाब से सोचा कि चलो वो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, तो उसी के साथ मैंने क्या किया था ना कि मैंने ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है ये मैंने उस टाइम पे स्टार्ट करी थी, आपको यहाँ दिखेगा मैंने इसको चेंज नहीं करा, इस वजह से आपको एग्जैक्ट डेट नजर आ रही कि मैंने कब स्टार्ट किया था काम करना। 26 मार्च 2021 को ये हुआ था, 7:24 सुबह को मैंने ये चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। वीडियो आई गेस उसी के आसपास ही आया था, तो ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स थे उस टाइम पे ट्रेंडिंग में थे, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है इस चीज़ को उठाते हैं, पिक करते हैं, और इसी से रिलेटेड जो भी मेरे वहाँ पे बोर्ड्स थे वो इसी से रिलेटेड थे हर एक चीज़। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में देखना चाहूँ, जैसे अगर मान लो मैंने से फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया न्यू ऑलियंस के ऊपर, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये ट्रेंडिंग में है काफ़ी, और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो ट्रेंड्स हैं वो भी मैंने पिक किए। यानी कि मैंने उस हर एक चीज़ का ध्यान रखा कि जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं मैं उसको पिक करूं, और उसके बाद में मैं अपने सारे के सारे बोर्ड्स बनाऊं। तो इस चीज़ का भी मैंने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ इन केस यू आर यूजिंग पिंटरेस्ट एज अ बिगिनर। तो ये चीज़ें सारी करने के बाद में भी जो हुआ क्या, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो जब सारी की सारी चीज़ें यूज कर ली उसके बाद में ये हुआ कि एनालिटिक्स दिखाता हूँ आपको कि उस टाइम पे कितने व्यू आ रहे थे, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। डेट रेंज को चेंज करके कर देते हैं लास्ट 90 डेज, क्योंकि लास्ट 90 डेज में ही आएगा मार्च। ये देखो अपना ये जो टाइम है इसी को ही मैं करता हूँ एंड दिस इज ओके। तो लास्ट 90 डेज में आई गॉट 0 इंप्रेशंस, 0 एंगेजमेंट, टोटल ऑडियंस 0, एंगेज ऑडियंस 0। इसका क्या मतलब है? टॉप बोर्ड्स की बात करेंगे तो कुछ भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसका क्लियर मतलब यह है कि मेरा एक भी पिन या बोर्ड विजिबल था ही नहीं कहीं पे भी, किसी को कुछ नज़र नहीं आया, सारी की सारी चीज़ें जो थी ना वो एकदम गायब हो गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ऑडियंस इनसाइट की तो ऑफ कोर्स यू सी नथिंग, क्योंकि ऑडियंस मेरी है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास में आप लोगों को बताने के लिए, बिकॉज एब्सोल्युटली 0 एवरी सिंगल वे। अब इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये तो क्लियर कट पता लग गया कि ये जो जितने भी मैंने स्ट्रैटेजीज लगाई थी ये सारी की सारी गलत हो गई। पर हमारी जो पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती है वो हो सकती है कि पहली चीज़ तो ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जी जो ये पॉपुलर से जो ट्रेंडिंग से जो बोर्ड होते थे मैंने उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया। मैंने जो थोड़े यूनिक और थोड़े जेनेरिक जो बोर्ड हो सकते थे उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पहली मिस्टेक।
दूसरी मिस्टेक ये कि हो सकता है कि मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन वाले जो बोर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर फोकस कर लिया, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल नॉर्मली डू दैट। तो ये हो गई मेरी दूसरी पॉसिबल मिस्टेक। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में मिस्टेक थी कि नहीं थी, पर ये मेरी लर्निंग्स हैं जो मैं आगे एक और चैलेंज लेने वाला हूँ, 7 days का चैलेंज अगेन, बट दिस टाइम आई थिंक आई मेक 7 days चैलेंज या 15 days का चैलेंज, क्योंकि एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा जो अगेन मेरी पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है, वो ये है कि मैंने शायद इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 7 दिन दिया उसके बाद में बंद कर दिया, दैट कैन बी अनदर पॉसिबल मिस्टेक। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आई बी यूजिंग 15 days फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। तो नेक्स्ट जो चैलेंज होगा पिंटरेस्ट वाला वो होगा 15 days का चैलेंज, और वो होगा 1000 likes पूरे होने के बाद में। नेक्स्ट एक और पॉसिबल मिस्टेक मेरी हो सकती है कि मैंने बाकी जो पिंटरेस्ट यूजर्स हैं या पिन्स हैं या बोर्ड्स हैं उनके साथ में इंगेज ही नहीं करा, मैं आया एकदम रैंडम यूजर की तरह, मैंने अपने पिन्स पे बोर्ड्स पे ध्यान दिया और मैं गायब हो गया, दिस इज व्हाट आई डिड। तो हो सकता है वो एक मेरी अनदर पॉसिबल मिस्टेक थी। एक और पॉसिबल मिस्टेक ये हो सकती है कि जब मैंने अकाउंट क्रिएट करा और जब मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ करी तो पिंटरेस्ट को ये आइडेंटिफाई हुआ हो कि ये साला बंदा तो स्पैमर है, ये आया आके बोर्ड बनाया, ये करा वो करा, डाला 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 सब कुछ करा एंड काम खत्म। उसके बाद में दिस गाय इज नॉट इवन विजिबल, दिस गाय हैज नॉट एंगेज विद एनीथिंग एनीवन, नॉट एट ऑल, नॉट इवन जीरो। तो ये कुछ पॉसिबल मिस्टेक्स जो हो सकती है जिसके पीछे ये जो हमारी बुरी तरीके से जो हालत हुई है 7 days का चैलेंज करने में ये हुई है। ऐसी पॉसिबल चीजें हो सकता है आपके साथ में हो सकता है ना हो सकता है नीच वाली प्रॉब्लम है, हो सकता है जो मैंने बताया आपको वो पॉसिबल प्रॉब्लम्स है। अब जब हम नेक्स्ट चैलेंज करेंगे तो मैं आपको दूसरे नीच पे फोकस करने वाला हूँ उन 15 दिन के चैलेंज के लिए, या फिर अगर आप बोलेंगे तो मैं ट्रैवल पर ही फोकस करूंगा वापस से एंड विल ट्राई टू सी कि भाई कुछ हो पाता है क्या इस बार, और उसके भी पूरे के पूरे आउटकम्स आपके साथ में दिखाने वाला हूँ। इस बार रिकॉर्डिंग का ध्यान रखूंगा, ताकि हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप चाहेंगे कि मैं ट्रैवल वाले नीच को ही फोकस करूँ 15 दिन वाले चैलेंज के लिए, या फिर मैं दूसरे किसी नीच को फोकस करूँ, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहता था, अगर आप लोगों को यूजफुल लगता है वीडियो तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि वाई नॉट यार, एवरीवन नीड्स टू नो अबाउट मेबी से फेलियर्स ऑफ द अदर पीपल, ताकि वो खुद सीख सके उन फेलियर्स से। एंड लास्ट नॉट ऑनली सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत है, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है, उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।